नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आ रही है। चुनाव होने से पहले ही मल्लिकार्जुन की बड़ी जीत देखी जा रही है। दर्शकों, शुरुआत करते हैं कि आखिर क्यों मल्लिकार्जुन के साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम हाईकमान भी दिख रहे हैं, लेकिन अगर वहीं बात करें शशि थरूर साहब की, वो अकेले पर गए हैं। आज यही बात करेंगे कि प्रस्तावों की संख्या से तय हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत मानी जा रही है। आप दर्शकों को बता दें कि कल पर्चा भरा गया था, इस बीच में अशोक गहलोत का भी नाम था लेकिन हट गया। ये पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से ही समझाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी के बीच है। तीनों ने ही 30 सितंबर को इसके लिए नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस रेस का विजेता कौन होता है। नामांकन के दिन वरिष्ठ नेताओं और G23 का समर्थन खड़गे के लिए साफ दिखाई पड़ रहा था। वहीं खड़गे गांधी परिवार के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रस्तावों की संख्या और परिवार की पसंद से चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हो गई है। माना कि कांग्रेस का होने वाला अगला अध्यक्ष गैर गांधी होगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का गांधी परिवार के करीब होना उन्हें जीत की तरफ ले जाता दिख रहा है। प्रस्तावों की बात करें तो कई नेताओं ने उनका खुले तौर पर समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह ने जहां खड़गे का नाम सामने आने के बाद नामांकन दाखिल करने से इनकार कर दिया था, तो वहीं अशोक गहलोत ने भी साफ साफ कह दिया कि उनका और कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन खड़गे के ही साथ है। नामांकन तो 3 दाखिल हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष पद की कुर्सी पर खड़गे का ही बैठना तय माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने खुद को इन आरोपों से अलग कर लिया है कि उनके परिवार का किसी नेता को समर्थन मिलेगा। थरूर और त्रिपाठी के प्रस्तावों से जहां इक्का दुक्का लीडर्स थे, वहीं खड़गे के प्रस्तावों के लिस्ट में 30 बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इनमें से G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा, मनीष तिवारी भी शामिल हैं। खड़गे के साथ नेताओं के हुजूम की तस्वीर यह साफ कर रही है कि नॉमिनेशन ही नतीजे क्या होने वाले हैं। अब आका ये हकीकत है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में नतीजे वाले दिन क्या होता है, लेकिन लगभग अब उनकी जीत मानी जा रही है और ये एक हकीकत है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।